हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा फ्रॉम आसमाज बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। हम आज बना रहे हैं ग्रैनुला, जो कि बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसको दूध में या फिर अपने कर्ड में मिक्स करके और कुछ और ड्राई फ्रूट ऐड करके आपको चाहिए या ऐसे ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी होता है। ठीक है, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आप क्या करोगे, ये इस तरह का जो ओट आता है, आप ओट ले लोगे। सबसे पहले इसमें हाफ कप मैं ओट ले रही हूँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसको बना लीजिए। एयर टाइट कंटेनर में इसको रख लीजिए और हमेशा आपको जब भी ऐसे लगे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये हमने ओट ले लिया। इसके बाद आपको सीड्स और नट्स लेना है। इसमें देखिए, मैंने ये चार मगज बोलते हैं ना वाटरमेलन की सीड ली है। ये मैंने 20 ग्राम ली है। आपकी मर्जी है, आप जितना इसमें डालना चाहो आप डाल सकते हो, कम ज़्यादा प्रोपोर्शन कर सकते हो। मैंने ये आलमंड है, मैंने 20 ग्राम लिया है। कैश्यू है, मैंने 20 ग्राम लिया है। ये मैंने अलसी की बीज ली है, फ्लैक्स सीड। बहुत ही हेल्दी होती है ये, तो अलसी की बीज मैंने 10 ग्राम ली है। और ये मैंने लिया है पम्पकिन सीड ली है, पम्पकिन सीड मैंने 5 ग्राम्स लिए, दैट्स इट। तो इसके अलावा भी आपको अगर कोई नट पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये सारे नट्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही झटपट और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसके बाद इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑफ हनी डाल दूंगी। ठीक है, तो ये मैं हनी अंदाजे से डाल रही हूँ, आप ले लीजिए। 2 टेबल स्पून बहुत हो जाता है इसमें। ये हो गया। आप चाहे तो इसमें घी या बटर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इस वक्त ऐसा कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको आपको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अगर आपके पास ओवन है तो ये जाएगा ओटीजी में 180 डिग्री पे, स्लो पे पकेगा। 180 पे, 160 पे आप इसको बनाइए और इसको स्लो पे रख दीजिए, ऊपर नीचे का रैक ऑन करके ओटीजी में। या माइक्रोवेव है आपका तो कन्वेक्शन मोड पे आप इसको रख दोगे। 170 डिग्री पे आप रखिए इसको फॉर 15 टू 20 मिनट्स ही आपका लगेगा। ये ऐसे करने के बाद आप इसको क्या करोगे, अपना जो ओवन की ट्रे है उसमें आप इसको ग्रीस करके रख दोगे या आप पार्चमेंट पेपर लगा के रख दोगे इसे इस तरह से। जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि ब्लूबेरी, अगर इस वक्त हम लोग उसको डालते हैं तो ये सारी चीज़ें तो रोस्ट होगी, बट जो ड्राई फ्रूट्स है लाइक जैसे हमारे पास ब्लूबेरी, कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो जल जाएंगी। किशमिश, जो भी आप इसमें से रेजिन्स वगैरह डालते हो वो जल जाएगी। तो ये इस तरह से प्री हीट ओवन में आप इसको डाल दोगे फॉर 15 टू 20 मिनट्स। स्लो पे पकाओगे आप इसको, बिल्कुल भी घाई नहीं करोगे, अदरवाइज ये जल जाएगा। अगर आप गैस पे करते हो, आपको गैस पे करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सारी अपने कैशू को अलग रोस्ट करोगे, बादाम को अलग रोस्ट करोगे, जो आपकी सीड्स है अलग अलग रोस्ट करोगे, और उसके बाद आपका ओट भी रोस्ट कर लोगे और सारी चीज़ों को मिला लोगे। मिलाकर हनी मिला लोगे आप उसमें और वापस से थोड़ा सा स्टर करके रोस्ट करोगे। क्योंकि देखिए ये थोड़ा थोड़ा चिपक गया है, लेकिन जब ये रोस्ट होगा ना तो हनी का फ्लेवर सेम इसके अंदर रहेगा, लेकिन ये एकदम छुट्टा छुट्टा हो जाएगा, मतलब एकदम अच्छे से छुट्टा छुट्टा बन जाएगा। और हम उसको फिर आराम से कभी भी इसको दूध में आप डाल के, दही में डालकर, इसके ऊपर चिया सीड भी आप डाल सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। सो मैं आपको ये बन जाता है फिर बताती हूँ। ये हमारे ग्रैनुला आ गए हैं बनके, इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। ये एकदम क्रिस्पी और बहुत अच्छे गोल्डन कलर में आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी चाहें ऐड कर सकते हो। ये मेरे पास ब्लैक रेजिन्स है, आप इसको बड़े बड़े ऐड कर दीजिए। आपको चाहिए तो इसे थोड़ा कट करके ऐड कर लीजिए, देखिए इस तरह से। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं थोड़े से ड्राई रेजिन्स डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें बीज होती है जो नहीं पसंद आती है मुझे। इसके बाद ये ब्लूबेरीज है मेरे पास सूखी हुई, ड्राई ब्लूबेरीज, ये मैं थोड़ा डाल रही हूँ। ये सब मिक्स करके आप वापस एक 5 मिनट के लिए वापस इसको अंदर रख दोगे ओवन में, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लूबेरी और हो गई।
ये मेरे पास कैनबेरीज है, ये सारा आप डालोगे ना खाते वक्त ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है, एकदम चीवी और बहुत अच्छा लगता है। ये सारा मैंने मिक्स कर दिया है, आप चाहो तो ये करने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए वापस ओवन में रख सकते हो, और नहीं तो ये बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है। ठीक है, सो ये आप बनाइए, बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है, और इस लॉकडाउन में और इस पीरियड में आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है इसमें, मतलब आप जिस तरह के फ्रूट्स चाहो डाल सकते हो। सो प्लीज़ ये रेडी हो गया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ये आपका रेडी हो गया है, आपको जितना चाहिए बस आपको सुबह में उठना है, दूध में डालना है और खाना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।